हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप जितनी भी डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करोगे, आप उतने ही माइलस्टोन को अचीव करें, यही हम ईश्वर से मनोकामना करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार तरीके से मैसेज करते हैं, सर हमारे कोर्सेज का क्या होगा, हमारा सर आइडोल का क्या चल रहा है, कुछ सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है। क्या एग्जैक्टली क्या है आइडोल, करना क्या चाहता है? अभी एग्जामिनेशन उन्होंने कही है हमारी होने वाली है, बट ऑफलाइन तरीके से होगी, ना ही हमें स्टडी मटेरियल मिला है। सारी चीजें लगातार तरीके से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें पूछ रहे हो। मैंने आपको वहां पर भी क्लियरिटी दी है कि आइडोल डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। और रही बात स्टडी मटेरियल की, तो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेटेड स्टडी मटेरियल की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, वहां से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर आइडोल के स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज स्टूडेंट की बुक्स को भी रिफर करके आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर माय डियर आइडोल के स्टूडेंट्स की मेंटालिटी इस तरीके की होती है कि हम जॉब वाले हैं तो हमें कुछ कंसेशन मिलना चाहिए, बट फिलहाल यहाँ पर आइडोल की तरफ से सिर्फ टाइम का कंसेशन आपको मिल रहा है, लेकिन सेमेस्टर 1, 3 और 5 होने के बाद आपको तुरंत यानी विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 months आपको 2, 4 और 6 की प्रिपरेशन चालू कर देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ही कम समय देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोगों के लिए ये सारी डिस्कशन तो हम कर ही रहे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा बात करने वाले हैं कि सर अब हमारी प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर, जैसे भी डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अच्छी तरीके से आपको जानना अच्छी तरीके से जरूरी, क्योंकि आपके यहाँ पे जरूरत का सब कुछ यहाँ पर ही मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो ये इस तरीके के इंटरफेस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फॉर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जनरली करते क्या हो, आप जनरली नीचे की तरफ जाते हो और यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल का एक टैब दिखता है, आप यहाँ पर डाउनलोड पे आते हो। यहाँ पर आपको डाउनलोड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर ओल्ड तरीके, यहाँ पर इसको अपडेट नहीं किया गया है। जब से वेबसाइट अपडेट हुए तब तक सारे के सारे स्टडी मटेरियल का टैब आपको इस तरीके पर यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि आप सेमेस्टर पैटर्न की बुक्स चाहते हो, ईयरली पैटर्न की चाहते हो। तो अगर आप सेमेस्टर पैटर्न में जाओगे तो आपको बीकॉम, बैफ, एमकॉम, एमएमएस या पीजीडीएफएम, पीजीडीआरएम, बीए, एमए, एमए एजुकेशन किसकी बुक्स की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए मैं बीकॉम की बुक की रिक्वायरमेंट चाहता हूँ, तो एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, टीवाई एफवाई एंड 6 सारी बुक्स यहाँ पर अपडेटेड पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक्सक्यूज ना देकर अगर हम अपनी प्रिपरेशन चालू करें, मुझे पता है आइडोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने की, बट अगर उनके यहाँ से देरी हो रही है तो हम उनके एक्सक्यूज को नहीं करेंगे और हमारे पास जो स्टडी मटेरियल की अपडेटेड बुक है वहां से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो यूपीएस आते हैं उसको रिफर करना है, या आप मनन प्रकाशन को या सेट पब्लिकेशन को भी रिफर करके आप अपनी तैयारी को नए एज पर लेकर जा सकते हैं, चाहे आप एफआईएस या टीवाई तीनों में से किसी भी तरीके के स्टूडेंट हो गए, ठीक है। ये रही बात आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। अब आपकी एग्जामिनेशन कब होने वाली है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। माय डियर, मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था जहां पर मैंने आपको क्लियरली कहा था कि एनुअल पैटर्न की एग्जामिनेशन ऑलरेडी उनकी डेट्स आ चुकी है, लेकिन जो ऑफलाइन पैटर्न के सीबीसीएस के पैटर्न की एग्जामिनेशन है उनके बारे में ये नोटिस आया था कि आपके एग्जामिनेशन प्योरली ऑफलाइन तरीके से कंडक्ट की जाएगी और ये एग्जामिनेशन फरवरी मंथ में कंडक्ट की जाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023, द डेट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सेट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। दिसंबर जा चुका लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना कंफर्म है फरवरी मंथ में जो एग्जामिनेशन शुरू होगी वो 1, 3 और 5 की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। सेमेस्टर 1 फॉर एफआई बीकॉम बीए या बीएससी, सेमेस्टर 3 फॉर सेकेंड ईयर बीकॉम बीए बीएससी, सेमेस्टर 5 टीवाई बीकॉम बीए बीएससी के स्टूडेंट्स की, और फरवरी के एंड में मास्टर्स की एग्जामिनेशन शुरू होगी, ऐसे टेंटेटिवली डेट्स निकल कर आ सकती है।
ठीक है, ये आपके ओवरऑल आपके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आपको डेट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि कहाँ से आपको कब तक एग्जामिनेशन की डेट्स वगैरह मिल सकती है। आपको अपने प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट करनी पड़ेगी। अब बात आती है सर प्रिपरेशन कहाँ से करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारे कॉन्टेंट पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आप लोगों का प्यार, आपका रिस्पांस इतना बेहतरीन तरीके से हमें मिलता है कि जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोर्सेज को इतना बेहतरीन प्यार दिया है कि वी आर अमंग द 30 टॉप 30% एडुकेटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अगर टॉप 30 एडुकेटर्स में हमारा नाम आता है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के प्यार, आप लोगों के रिस्पेक्ट, आप लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से। एंड आपको मैं बता दूं कि हमारी कोर्सेस सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मानी जाती है, अफोर्डेबल है, मानी क्या जाते हैं, हम अफोर्डेबल रखने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो भी कोर्सेस अभी लॉन्च हो रहे हैं उसमें वीडियोस की मात्रा फिलहाल कम है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट होती जाएगी, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये कोर्सेज वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, इसकी चिंता आप करने की जरूरत नहीं है। आपको आप लोगों का प्यार, आप लोगों की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि हम आप उसको वैल्यू फॉर मनी करने की हमेशा कोशिश करेंगे और करने की कोशिश करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और वॉट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए एम कॉम पार्ट टू का फिलहाल हमने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलीज कर दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग इस वीक में, यानी विद इन द स्पैन ऑफ 1 or 2 days में रिलीज हो जाएगा। एम कॉम पार्ट 1 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलीज हो गया है। TY ये जितने भी कोर्सेस है वो आपको 501 में दिख रहे हैं, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के कॉन्सेप्ट की वजह से, नए साल की शुरुआत की वजह से, अगर आप इसमें एक कोड अप्लाई कर दोगे, कौन सा कोड, हैप्पी न्यू ईयर का कोड आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपको बसरते सिर्फ क्या करना है, कोड अप्लाई कर देना है, तो आपकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस होकर 250 पर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी अगर मैं रैंडमली कोई कोर्स ओपन करता हूँ, तो आप कोर्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर कोर्स, यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये कोर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स देखोगे कि यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर का कोड हमने सभी कोर्सेस में डाला हुआ है, जिसमें आपको फ्लैट 50%, दैट इज 250 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, तो वो कोर्स आपका बन जाएगा 251 रुपीज में। तो आप अपने दोस्तों तक बताएं कि कोर्सेस ऑलरेडी आ गए, आपका बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमें और भी अच्छी तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से काम करना है। हमने यहाँ पर फिलहाल कौन कौन से स्टैंडर्ड की कोर्सेस लॉन्च किए हुए वो हमको आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर TY BCom, FY BCom, SY BCom, FY BF, TY BMS, SY BBI, PG में MCom के 3 कोर्सेज फिलहाल लॉन्च होने वाले हैं या हो रहे हैं। उस पर काम, कोर्स ऑलरेडी चालू है, काम अभी भी चालू है। माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर कोड अप्लाई जरूर करना है ताकि आपको वैल्यूएबल डिस्काउंट मिले और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इससे हमारा ट्रस्ट और भी बॉन्ड स्ट्रांग होने वाला है और सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 की वीडियोस ऑलरेडी आना शुरू हो गई है। तो जो बच्चे सेमेस्टर 1 में हमारे पर भरोसा कर रहे थे वो सेमेस्टर 2 और 4 में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। TY BCom सेमेस्टर 6 के कोर्सेज ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और GST की वीडियोस आ रही है धीरे धीरे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का रिस्पॉन्स इसी तरीके से चैनल पर बनाए रहे। आप लोगों के, आप लोग इतना भरोसा करते हो तभी हमारे ऊपर मोटिवेशन आता है कि आप लोगों के लिए इतना सब कुछ किया जा सके, और आप लोगों के प्यार और अपने लोगों के मोहब्बत के बिना इतना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ बने रहे, आइडल रिलेटेड अपडेट इसी तरीके से आपको चैनल पर मिलती रहेगी। कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होगी तो ही आपको इस चैनल पर मिलेगी। और आप लोगों के लिए एक और सीरीज शुरू करने वाला, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे फॉर ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड विद इन द स्पैन ऑफ 1 or 2 days। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।